बसपा के मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद का बड़ा बयान, माहौल खराब करने का काम कर रही हैं पूर्व मेयर, महानगर में विशेष समुदाय को लेकर माहौल खराब करने नहीं दूंगा। मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर के मामले में अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, जिसे लेकर बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा बड़ा ऐलान किया। सलमान शाहिद के द्वारा पूर्व मेयर पर कड़े कटाक्ष किए, उनके द्वारा साफ तौर पर पूर्व मेयर को चेतावनी दी कि उनका साफ तौर पर कहना है महानगर में माहौल खराब करने का भाजपा पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी उनके द्वारा कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उनका काउंटर करती है और सभी को लड़ाने का दोनों ही पार्टी काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी महानगर में किसी भी तरह का माहौल खराब करने नहीं देगी, जिसको लेकर उनके द्वारा महानगर में जो भी माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी खड़ी नजर आएगी। आपको बता दें, बीते दिन अलीगढ़ में पूर्व मेयर के द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके द्वारा प्रशासन को भी कड़ी चेतावनी दी गई। इसे लेकर लगातार सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बसपा के द्वारा भाजपा पर कड़ा प्रहार किया, उनका आरोप है कि लगातार भाजपा महानगर में माहौल खराब करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के बागी नेता और बसपा के प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा भाजपा के साथ साथ सपा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी और भाजपा को एक ही पल्ले में तोलने की बात कही। उनके द्वारा कहा गया कि मौजूदा हालात में दोनों ही पार्टी विशेष समुदाय को लड़ाना चाहती है और ऐसा वो होने नहीं देंगे। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। मैंने उनका बयान सुना और उनका जो बयान है हमेशा तोड़ने वाला बयान होता है, समाज को तोड़ने वाला बयान होता है। जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हैं वो सरकार और कोर्ट के आदेश से जो निर्धारित वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से बज रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि शहर का माहौल अगर वो ख़राब करने की बात करती हैं, तो मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी संविधान में और कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको और तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में गुंडई किसी की नहीं चलेगी। कोई आदमी अगर गुंडागर्दी से इस तरह के कामों को करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ना जानती है और किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को गुंडई नहीं करने दी जाएगी। कोर्ट का आदेश, बयानबाजी सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी बयान देती है, समाजवादी पार्टी काउंटर करती है, और इन दोनों पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ आम जन को लड़ाकर अपना हित साधना है। आम जन के किसी मुद्दे से इन दोनों पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अगर वॉल्यूम चेक कर रहा है, प्रशासन पक्षपात ना करे। यदि वॉल्यूम चेक कर रहा है तो प्रशासन निर्धारित मानक के अनुसार जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी का चेक करो, किसी के साथ जो है नाइंसाफी ना हो, पारदर्शिता के साथ प्रशासन अपना काम करे। एक समुदाय को लेकर बात कही जा रही है इस सरकार में, एक समुदाय को लेकर तो बहुत बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस समुदाय को लेकर बात कही जा रही है अलीगढ़ जनपद में उस समुदाय का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा।